तो अगर आपने अपना मूड बना ही लिया है 10,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन लेने का, तो ये वीडियोस आपके लिए हैं। देखो, 10,000 के अंदर में गेमिंग फोन लेना उतना ही मुश्किल है जितना कि आपको अपने क्रश का नंबर मिलना। पर इस वीडियोस के लिए मैंने काफी रिसर्च करके 4 तगड़े बेस्ट गेमिंग फोन लाया हूँ, जिनके जैसी परफॉर्मेंस आपको 13,000 से 14,000 वाले फोन में भी नहीं मिलेगा। बात करें पहले फोन की, तो ये है मेट्रोला G04, जो हाल ही में इसी महीने फरवरी में लॉन्च हुआ। इस फोन का प्राइस है 6,999 और 7,000 के अंदर ये फोन बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में यूनिसोक T606 प्रोसेसर लगा है, जो कि 12 NM पर बेस्ड है। एंड ये प्रोसेसर इस बजट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर देता है। इस वजह से इस फोन का एंटीट्यू स्कोर 2,20,000 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और BGMI पे ये फोन स्मूथ पर अल्ट्रा ग्राफिक्स पर गेमिंग करा देता है। अब बात करें इसकी स्टोरेज की, तो इस फोन में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है, जिसकी वजह से फोन के एप्स ओपनिंग काफी फास्ट हो जाती है। और ये कमाल की बात यह है कि फोन 2 वेरियंट में आता है, 4+64GB, 8+128GB। बात करें इसकी डिजाइन की, तो ये फोन भी मोटो के बाकी अदर्स फोन ही की तरह दिखता है। फोन में सिंगल स्पीकर है विथ डॉल्बी एटमॉस, जिसकी वजह से साउंड काफी लाउड और क्लियर आता है। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट कैमरा की, जिसमें आपको 5 MP का सेल्फी देखने के लिए मिल जाता है। बैक कैमरा की अगर मैं बात करूं, तो 16 MP का आपको बैक कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और ये 1080p में आपका फुल HD फोन रिकॉर्ड कर सकता है। और इसकी सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। फोन की बैटरी की मैं बात करूं, तो 5000mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको 20 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, जो कि आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। बात करें इस फोन की कंक्लूजन की, तो ये फोन सारे मामले में काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और स्पेशली तो इसका 8GB वाला वेरिएंट। अब बात करें सेकेंड फोन की, तो ये है मोटो G24 पावर। ये फोन भी पिछले M04 की तरह ही देखता है, जो कि काफी उससे ये बेटर है। अब इस फोन के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे इस फोन में MediaTek G85 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 9000 फोन वालों के लिए काफी अच्छा है। और इसका एंटीटू स्कोर 2,66,000 प्लस है, जो कि काफी अच्छा है। एंड BGMI में ये फोन स्मूथ एंड बैलेंस्ड पर अल्ट्रा ग्राफिक पर गेमिंग करा देता है। और इसके साथ भी इसमें ड्यूअल स्पीकर भी मिलता है। इस फोन की कैमरा की मैं बात करूं, तो जिसमें आपको 2 कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। एक आपको 50 MP का प्लस में 2 MP का माइक्रो देखने के लिए मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करूं, तो 16 MP का आपका सेल्फी देखने के लिए मिल जाता है। ये फोन 2 वेरिएंट में आता है, 4GB 128GB एंड 8GB 128GB। इस फोन की सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, इस फोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 मिलता है, एंड इसको एंड्रॉइड 15 में भी अपडेट मिलेगा। और ये फोन 4G प्लस को भी सपोर्ट करता है, जिनके वजह से मोबाइल डेटा काफी अच्छा चलेगा। और इसके बैटरी की मैं बात करूं, जिसमें आपको 6000mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाता है, और चार्जिंग 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, जो कि आपके बॉक्स के अंदर ही मिलता है। बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो इसका साइज है 6.5 इंचेस डिस्प्ले, एंड ये पैनल IPS LCD है, जो कि 90Hz का देखने के लिए मिल जाता है, एंड ये पंच होल डिजाइन के साथ आ जाता है। तो बात करें इस फोन की कंक्लूजन की, तो जिनका बजट 9000 तक है और जो बेस्ट गेमिंग फोन ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए एक काफी फोन अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है। थर्ड फोन है फोको M6 5G, जो कि एक 5G फोन देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन की प्राइस की मैं बात करूं, तो 10,000 का देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप बैंक कार्ड यूज करते हो, तो जिसमें आपको 1400 का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है, तो आपका फोन का प्राइस हो जाता है 8,600 रुपए। इस फोन में MediaTek का Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर मिलता है, और इस फोन के एंटीटू स्कोर की मैं बात करूं, तो 4,30,000 से भी ज्यादा आता है। एंड ये फोन BGMI में स्मूथ एंड बैलेंस अल्ट्रा पर ग्राफिक्स पर गेमिंग करा देता है। इसके साथ ही इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। इस फोन की अगर मैं डिस्प्ले की मैं बात करूं, तो इस फोन का डिस्प्ले साइज 6.74 इंचेस का है, जो एक IPS LCD पैनल पर है विथ 90Hz रिफ्रेश रेट। और ये फोन 600 nits ब्राइटनेस के साथ आता है, और ये फोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है।
और इस फोन की अगर फ्रंट कैमरा की मैं बात करूं जिसका 5 मेगापिक्सल सेल्फी देखने के लिए मिल जाता है, बैक कैमरा की मैं बात करूं तो आपको 50 मेगापिक्सल का आपको सिंगल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है एंड ये फोन फुल HD वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेता है। इस तीन वेरिएंट अवेलेबल है, 4GB 128GB, 6GB 128GB, 8GB 256GB। प्लस इस फोन में एंड्रॉइड 13 एंड MIUI 14 सॉफ्टवेयर मिलता है एंड पोको ने कहा है कि इस फोन को दो एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेगा एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है। 5G ब्रांड्स की अगर मैं बात करें तो इस फोन में कितने 5G के ब्रांड्स हैं अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसकी बैटरी की मैं बात करूं तो 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाता है, प्लस में 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करें कंक्लूजन की तो ये फोन उनके लिए है जिनको एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए और इसका कैमरा भी डिसेंट हो जाता है, पर जिन लोगों को एक क्लीन सिंपल और गुड लुकिंग इंडियन स्मार्टफोन चाहिए उनके लिए ये बेस्ट फोन है जिसका नाम है लावा ब्लेज 2। बात करें इस फोन की तो लावा ब्लेज 2 में ग्लास बैक मिलता है, इस फोन के पीछे ब्लू रिंग लाइट मिलता है जो कि एक चार्जिंग इंडिकेटर इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन आने पर ग्लो करता है और फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है। इस फोन की अगर डिस्प्ले की मैं बात करूं तो 6.5 इंचेस का IPS LCD जो कि 90 हर्ट्ज वाला पैनल मिलता है जो एक 720 HD डिस्प्ले है। इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है। इस फोन की अगर कैमरा की मैं बात करूं तो फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने के लिए मिल जाता है और बैक कैमरा की मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल प्लस में 0.8 मेगापिक्सल का अदर सेंसर देखने के लिए मिल जाता है और ये फोन 2K रिकॉर्डिंग करता है। इस फोन की अगर प्रोसेसर की मैं बात करूं तो इसमें MediaTek का Dimensity 6020 है और इसका Antutu स्कोर जिसमें आपको 3,90,000 प्लस मिलता है जो कि काफी ज्यादा है और इसमें आपका दो टाइप का वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है, 4GB 64GB और 6GB 128GB। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो Android 13 एंड क्लीन स्ट्रोक Android का सपोर्ट मिलता है। इस फोन में ना कोई एड्स और ना ही कोई एक्स्ट्रा एप्स मिलता है। इस फोन में 5G की ब्रांड्स की मैं बात करूं तो 8 ब्रांड्स देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको 18 वाट का चार्जर देखने के लिए मिल जाता है और इसका सर्विस सेंटर की मैं बात करूं तो मोर देन 700 ऑथराइज्ड लावा सर्विस सेंटर देखने के लिए मिल जाता है। यह फोन उनके लिए है जिन्हें एक यूनिक डिजाइन वाला फोन चाहिए और इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत ही क्लीन है। तो ये थे 4 बेस्ट तगड़े गेमिंग स्मार्टफोन जिन्हें आप 10,000 के अंदर बाय कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड नीचे दिए गए हैं 4 गेमिंग फोन का लिंक, वहां से बाय करते हो तो इस चैनल को काफी ही हेल्प मिल जाता है।